यूक्रेन के बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे छात्रों की सकुशल वापसी जारी है। यूक्रेन से लौटने के बाद कोडरमा की अनामिका मिश्रा के परिजन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को देते नहीं थक रही। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग के कारण यूक्रेन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे भारतीय छात्र के सकुशल वापसी की कवायद लगातार जारी है। आज इसी क्रम में यूक्रेन के ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही डोमचांच की अनामिका मिश्रा वापस अपने घर डोमचांच लौटी। यूक्रेन में खराब हो चुके हालात के बीच सकुशल वापसी पर अनामिका मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आभार जताई है। भारतीय छात्रों की सकुशल रिहाई को लेकर सरकार की जमकर अनामिका मिश्रा ने तारीफ की है। गवर्नमेंट के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे रोमानियन बॉर्डर पे इतने सारे लोग खड़े थे। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट अगर नहीं बोलते तो इंडियंस के लिए बॉर्डर्स नहीं खुले होते। देन वी हैड लाइक हमने अपने बॉर्डर्स पे बसेस पे सारा इंडिया का फ्लैग लगा के रखा था, तो उसके वजह से हमें बहुत जल्दी एग्जिट मिला। एंड देन उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए फ्लाइट अरेंज किया था, क्योंकि किसी तरह भी ट्रांसपोर्टेशन लोकल प्लेसेस से इजी है, बट ऑब्वियसली हम लोग खुद से यहाँ तो नहीं आ सकते ना। सो इट्स वेरी ग्रेट कि उन लोगों ने इतने सारे फ्लाइट्स इतने कम टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया था कि हम लोग इंडिया सेफली पहुँच चुके। फिर फ्लाइट्स में दे रियली ब्लेस्ड अस विद फूड वाटर एंड ऑल द कम्फर्ट दे कैन गिव अस, एंड हम लोग फिर सेफली लैंड हुए यहाँ पे। वहाँ पे एयरपोर्ट पे उन लोग बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू अन्नपूर्णा देवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे से आके मिले, टेकिंग सम ऑफ हर टाइम आउट फ्रॉम द वेरी बिजी स्केड्यूल ऑफ हर्स। यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के अभिभावकों और परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से छात्रों के सकुशल वापसी की कवायद से अनामिका मिश्रा के माता पिता काफ़ी खुश हैं, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की वे जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ अनामिका की माँ मालती देवी पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं, वहीं उसके पिता हरिश्चंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम उम्र एहसान मंद रहने की बात कही है। गवर्नमेंट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, थैंक्स देता हूं कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को एक साथ उठाने का डिसीजन लेकर के और लाए और घर तक पहुँचाए, इसलिए मैनी मैनी थैंक्स माई प्राइम मिनिस्टर। जंग की भूमि से मातृभूमि तक पहुंचाने में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि वो सब बच्चे लोग पर इतना मेहनत करके अपने सारे बच्चे को अपने मातृभूमि पर पहुंचाए हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। यूक्रेन से वापस लौटने और कोडरमा के डोमचांच स्थित अपने घर पहुँचने पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अनामिका मिश्रा का स्वागत किया है। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने अनामिका के घर जाकर उससे मुलाकात की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है और हजारों छात्र वापस लौट भी चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार बेहतर रूप से सभी छात्रों के सकुशल वापसी का प्रयास कर रही है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही चिंतित और कार्यशील हैं। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर यूक्रेन से भारतीय छात्र को लाने का निरंतर उनका प्रयास जारी है, और आपने देखा कि मंत्रियों को विभिन्न जो पास के देश है मंत्रियों को भी भेजा गया है, और गंगा ऑपरेशन एक जो है अभियान के तहत उन लोगों को लाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र आ भी चुके हैं, और निश्चित रूप से निरंतर प्रयास है, और हमें लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी, और लगातार आ भी रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं, तो बहुत सारे छात्र आ भी गए हैं, और जो फंसे हैं उनको भी लाने का पूरा प्रयास चल रहा है।
अनामिका मिश्रा यूक्रेन के ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से भारत सरकार की मदद से बस के जरिए रोमानिया बॉर्डर पहुंची, जहां से उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। फिलहाल कोडरमा के दो और छात्र यूक्रेन के वार जोन से बाहर निकल चुके हैं और जल्द ही वे अपने घर वापस लौटेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, उससे यूक्रेन में फंसे छात्रों को न केवल राहत मिल रही है, बल्कि उनके माता पिता भी चिंता से मुक्त हो रहे हैं। मुखर संवाद के लिए कोडरमा और रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।